हेलो एवरीवन, आज हम पाठ पढ़ेंगे अपना लिंक, ठीक है। 16 पाठ 16 सॉरी पाठ 15 लिंक पढ़ेंगे, पाठ 16 हमारा वचन है। तो देखिए लिंक में देखिए क्या है कि लिंक शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, ठीक है। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडिताइन खाना बना रही हैं, माँ पढ़ती है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, लड़का खेल रहा है, लड़की झूला झूल रही है। तो बच्चों क्या होता है इसमें कि जैसे हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्री, जिन शब्दों से हमें पता चलता है, जिस साधन के द्वारा हमें पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। कि ऊपर दिए गए वाक्यों में लाल रंग के शब्द पुरुष जाति के और नीले रंग के शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए बच्चा क्या है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, भाई, हाथी, शेर, लड़का, आदमी आदि। जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे माँ, बहन, हाथिनी, भाभी, शेरनी, लड़की, औरत आदि। कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह शब्द पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। लिंग की पहचान, लिंग की पहचान देखिए कि शब्द यानी संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना तो सरल है, जैसे यदि वे पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग चाचा, दादा, दशरथ, सोहन आदि, और यदि वे स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग चाची, दादी, सरला, विमला आदि। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग पहचानने के लिए विशेष नियम है, संज्ञा शब्दों के लिए पहचान के लिए विशेष नियम है, पर कुछ नियम इस प्रकार है। जैसे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या होता है कि हम जब प्राणीवाचक यानी कि जो लोग जैसे मनुष्य है, मानव है, उनका तो हम लिंग आसानी से पहचान जाते हैं कि अगर दादा बोला तो हम पहचान जाएंगे पुल्लिंग, दादी बोला तो हम पहचान जाएंगे स्त्रीलिंग। लेकिन जो निर्जीव चीजें होती है उनको कैसे पहचाने, उसके लिए कुछ नियम है। देखिए कौन कौन से हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है। पर्वतों के नाम, हिमाचल, विंध्याचल, अरावली आदि, ये सब पुल्लिंग है। महीनों के नाम, जून, जुलाई, चैत्र, वैशाख आदि, ये भी पुल्लिंग है। वार के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब पुल्लिंग है, है ना। ग्रहों के नाम, चंद्र, सूर्य, मंगल आदि, ये सब पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम, नीम, आम, अशोक आदि। अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चना आदि। धातु, सोना, तांबा, पानी, घी, पेट्रोल आदि, है ना। रत्नों के नाम, हीरा, मोती, पन्ना आदि, ये सब क्या है? वर्णमाला के अक्षर, क, ख, अ, प आदि। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। तो जिन शब्दों के अंत में त्र हो तो वह प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पत्र, नेत्र आदि, ठीक है। ज प्रत्यय से बने शब्द जलज, सरोज आदि। समय सूचक शब्द देखिए, घंटा, मिनट, पल, क्षण आदि, ये सभी क्या है? समय सूचक शब्द है, लेकिन ये पुल्लिंग है, ठीक है। मैं एक मिनट नहीं रुक सकता, ठीक है, या कितने मिनट हो गए, हम कभी नहीं कहेंगे कितने मिनट हुए, है ना। अभी कितने, दो तीन मिनट ही तो हुए हैं, मिनट ही तो हुए हैं, तो दो तीन मिनट हो गए, दो तीन मिनट हो गई नहीं कहते ना हम, तो ये मिनट पुल्लिंग में ही आता है। जिन शब्दों के अंत में निम्न वर्ण आए वे पुल्लिंग होते हैं, कि जो शब्दों के अंत में आए, आव आए, पन आए, क आए, एरा, क, आवा, ओड़ा, इस तरह के शब्द आते हैं तो वो क्या कहते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे लोटा, ऊंटा, छाता, छिपाओ, उठाओ, बहाओ, ये सब है ना, बुढ़ापा, पुजारी, ये सब। अंत से अंत होने वाले शब्द दमन, वचन, पालन, पोषण, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग जैसे हाथ, गला, अंगूठा, है ना, जीभ, सॉरी हृदय, दांत, है ना, ये क्या होते हैं, ये तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अंत में जिनके दान खाना वाला आए वे शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे दवा खाना, खानदान, दूध वाला आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में दान आए, खाना आए, खाना शब्द आए,
वाला शब्द आए, है ना, जैसे कि दवा खाना, खाना शब्द आया है ना, तो यहाँ पे पुल्लिंग है। सदैव पुल्लिंग कि जो हमेशा चाहे कैसी भी स्थिति हो वो बदल नहीं सकते। तोता चीता, तोता को हम तोती नहीं कहते ना, तोता तो तोता ही होता है, मादा तोता या नर तोता। चीता भी इसी तरह से मादा चीता नर चीता, हमें उसे वही बोलेंगे। उल्लू तो उल्ली नहीं कहेंगे हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए, उल्लू उल्लू ही रहेगा, नर उल्लू फिर मादा उल्लू कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भेड़िया, खरगोश, कछुआ, गरुड़, मच्छर, कौवा, जेबरा, गैंडा, जिराफ, है ना, इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे मादा कौवा, मादा भालू, अगर हम इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, अगर हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो हम इन्हें बदलेंगे नहीं, बस इनके आगे मादा शब्द लगा देंगे, मादा तोता, मादा चीता, मादा उल्लू, मादा भालू, इस तरह से, ठीक है। फिर है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। फिर बोलियों के नाम राजस्थानी, मारवाड़ी। तो देखिए कोई भी शब्द हो जिसमें हमें ऐसा लगे कि वो मारवाड़ी बोल रही थी, मारवाड़ी भाषा हमारी है, तो ये स्त्रीलिंग है ना। और जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम अलग से पहचान जाते, जैसे बाजार है, बाजार क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो बाजार बंद हो गया, पुल्लिंग, गई तो है ही नहीं, बाजार बंद हो गई तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो पुल्लिंग है। और जैसे मेज रखी है तो मेज रखा है नहीं बोलेंगे, मेज रखी है तो मेज स्त्रीलिंग हो गई, है ना। कुर्सी रखी है, कुर्सी रखी है, रखा नहीं बोलते कभी भी हम, कुर्सी रखा है नहीं, कुर्सी रखी है तो ये स्त्रीलिंग है ना। बेडशीट बिछ रही है, बिछ रहा है नहीं बोलेंगे, बेडशीट बिछ रही है तो स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम बोल के देखेंगे, रहा है, रही है, तो हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द भी हैं, जैसे मछली, तितली, मैना, कोयल, मकड़ी, गिलहरी, छिपकली आदि, ये सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। पुल्लिंग बनाने के लिए इनके पहले नर जोड़ा जाता है, जैसे नर मछली, नर तितली, नर मैना, इस तरह से। कुछ शब्द स्त्रीलिंग हम पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, प्रोफेसर, गवर्नर, ये चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, दोनों के लिए ये वाले शब्द प्रयोग में आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, प्रोफेसर पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्रियां भी हो सकती है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, अ को आ करते हैं, शिष्य शिष्या, वृद्ध वृद्धा, अध्यक्ष अध्यक्षा, आदरणीय आदरणीया, पूज्य पूज्या, बेटा, फिर देखिए अ को अ आ को ई करते हैं, बेटा बेटी, मामा मामी, काला काली, कबूतर कबूतरी, देव देवी, सखा सखी, इसी तरह से इया करते हैं, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, जुलाहा जुलाहिन, अंत में इका भी जोड़ते हैं, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, फिर चालक चालिका, अंत में हम आनी भी जोड़ते हैं, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, महतर महतरानी, देवर देवरानी, अंत में हम आइन भी जोड़ते हैं, पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन, इस तरह से, अंत में हम नी भी जोड़ते हैं, शेर शेरनी, हंस हंसनी, फूक फूकनी, जाट जाटनी, अंत में हम आय वान और मान शब्दों के स्थान पर वती और मती भी लगा सकते हैं, जैसे कि श्रीमान तो श्रीमती, पुत्रवान पुत्रमती, भगवान भगवती, शक्तिमान शक्तिमती, गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, स्त्रियों के लिए क्या लगता है, बुद्धिमती। ता जोड़ते हैं अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, धाता धात्री, इस तरह से। अंत में इन्हीं भी जोड़ते हैं, तेजस्वी तेजस्विनी, मनस्वी मनस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, है ना, इस तरह से। फिर कुछ शब्दों के देखो, कवि कवित्री, विधुर विधवा, वर वधु, भाई भाभी, फूफा बुआ, बेटा बहू, बैल गाय, जो पूरी तरह से बदल भी जाते हैं। इसमें देखो कुछ शब्द स्त्रीलिंग में पूरा रूप पूरी तरह से बदल जाता है, सम्राट सम्राज्ञी, पुरुष स्त्री, बिलाव बिल्ली, वर वधु, है ना, इस तरह से, ठीक है। और वैसे भी लिंग सबको आते ही हैं और आपको समझ में आ गए होंगे, वचन भी आपको समझ में आ गए, इससे पहले वाली वीडियो में वचन मैंने बताए थे, वो भी आप इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा
15 है और वचन हमारा 16 चैप्टर है। तो दोनों वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।